हम बात करें तो ये गोरे होने की जो ऑब्सेशन है अक्सर लड़कियां जो हैं वो उसको अपनी वो जो कहते हैं ग्रूमिंग का हिस्सा समझ लेती हैं, तो करते ये हैं कि क्योंकि यंग एज पे आपके अंदर ये शौक पैदा होता है। मैंने तो लड़कों में भी देखा है कि वो गोरा करने वाली क्रीमें मिक्स मुक्स करके अपने मुँह पे लगा लेते हैं, 4-5 क्रीमें मिक्स करके, उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है और फिर सारी जिंदगी के लिए आप एक परमानेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट डॉक्टर साहब ये बताइए कि ग्रूमिंग मर्द औरत टीन्स कितनी जरूरी है और आगे जाके ओल्डर मतलब यू नो 60-70 साल की उम्र पे भी कितनी जरूरी है आपकी नजर से? जुगन, द थिंग इज दैट ग्रूमिंग जो है, ग्रूमिंग का एक एस्पेक्ट है कि आपकी आउटवर्ड अपेयरेंस जो कि आपके बाल, आपका आपकी स्किन, आपके कपड़े, आपका पहनना ओढ़ना, उठने बैठने से लेके बहुत पर्सनल चीज़ें जिसमें आपकी हाइजीन भी आ जाती है, तो ग्रूमिंग एंड हाइजीन बेसिकली गो हैंड इन हैंड। दूसरी बात ये, अगर आप आजकल के दौर में, पहले वक्तों में भी था बट इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, रीज़न इज़ दैट एवरीथिंग हैज़ बिकम सो एडवांस्ड और हर फील्ड में इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड कैंडिडेट एंड यू नो समवन हु इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग, तो उसकी क्रेडेंशियल्स, उसकी स्किल्स, उनकी सब चीज़ों के साथ साथ उसकी आउटवर्ड अपेयरेंस को भी जज किया जाता है। वो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, बाल कैसे बनाए हुए हैं, शेव हुई हुई है, मतलब मैन इफ़ यू आस्क के शेव प्रॉपर हुई हुई है। बड़े मर्द होते हैं जिनके यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और वो रेजर फेर फेर के और वो यहाँ पे जो है वो बाल बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली। फिर कभी कभी स्किन टैग्स होते हैं मर्दों के चेहरे पे, खवातीन के भी होते हैं, गर्दन पे भी होते हैं। अब क्या इनको मैनेज करना ग्रूमिंग का हिस्सा नहीं होता? यस, पार्टली यस, बिकॉज जो चीज़ आपकी आउटर स्किन पे नज़र आ रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनेगी। और क्योंकि जब हम जज कर रहे होते हैं, फर्स्ट करें आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भी गए हैं, तो व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर द रूम आपकी जो असेसमेंट है वो उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। बिकॉज आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई यू नो प्ले अ मेजर रोल इन रनिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, सो आई अंडरस्टैंड व्हेन आई कॉल इन पीपल फॉर इंटरव्यूज़, मैं सबसे पहले जब दरवाज़ा खुलता है और एक कैंडिडेट अंदर स्टेप इन करता है तो मैं उसको सर से पाँव तक देखती हूँ कि उसने अपने स्टैचर और अपनी जिस पोजीशन के लिए उसने अप्लाई किया है उसके मुताबिक वो ड्रेस्ड अप है नहीं है, क्लीन है नहीं है, उसकी बात करने का अंदाज़ जो कि आपकी तरबियत और एजुकेशन से रिफ्लेक्ट करता है वो भी आपकी ग्रूमिंग का पार्ट एंड पार्सल समझा जाता है। अब ये देखें ना, सो द पॉइंट इज दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सिर्फ डिग्री होना व्यूअर्स काफी नहीं है, आजकल के जमाने में कंप्लीट पैकेज मांगते हैं। लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, फलां बंदे को देखो उसको तो कभी नौकरी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जिधर अप्लाई करता है उसको नौकरी मिल जाता है। व्यूअर्स, डिग्री देख के और आपकी क्वालिफिकेशन देख के दरवाजे में तो आपको एंटर करा लेता है बंदा, नौकरी मिलती है कि नहीं वो फिर आपकी ग्रूमिंग और आपके अपने आप को प्रेजेंट करने पे, अपने प्रेजेंट करना, आपने अपने जहां आप गए हैं उसको कैसे अप्रोच करना है, आपके बात करने का अंदाज क्या है, हाउ आर यू अप्रोचिंग एंड असेसिंग द पर्सन हु इज असेसिंग यू, मतलब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी दे कम इन पार्ट ऑफ ग्रूमिंग इफ यू आस्क मी। तो ग्रूमिंग इज अ बिग पैकेज जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट आजकल के दौर में आता है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकली अपने आप को कैसे ग्रूम करें, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे व्यूअर्स इंशाल्लाह आगे जाके हम जरूर वी पास आउट मिंट्स इन आवर क्लिनिक और आई विल आस्क देम टू यू नो टेक केयर ऑफ सच स्टफ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी इन्होंने क्लिनिक में नहीं कहा। नहीं, पेशेंट के लिए नहीं, मिंट खा ले, पेशेंट के लिए नहीं कह रही, पेशेंट के लिए नहीं कह रही, ऑफ कोर्स बिकॉज पेशेंट जब आता है तो वो डिफरेंट बीमारियों के साथ डिफरेंट कंडीशंस में आता है, लेकिन हम लोग जैसे अपने स्टाफ की ग्रूमिंग और उनकी पर्सनल हाइजीन, वे आर वेरी पर्टिकुलर, ब्रशिंग टीथ, शेविंग, लड़कियों के बाल बने हो, नीट बने हो, स्मेल ना आ रही हो, डिओडोरेंट का इस्तेमाल। हमजा 13 साल के हो गए हैं, वो जब भी जाने लगता है स्कूल, आज सुबह भी मैंने कहा बेटा डिओडोरेंट लगाए, कहते हैं मामा कलोन, मैंने कहा बेटा कलोन और डिओड्रेंट में जमीन आसमान का फर्क है, खुदा का वास्ता वही बातें ना करा करो जो मैं दूसरे लोगों को कहती हूँ। होता है ना कि कभी कभी यही तो चीज़ है कि इंसान थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, डिओड्रेंट, दांत ब्रश करना मुंह से और जिस्म से, और बाय द वे कपड़े एक से दूसरे दिन अगर आप बार बार पहनेंगे तो आपके जिस्म से ना भी स्मेल आ रही हो, आपके कपड़ों से आनी शुरू हो जाती है। टू गो टूवर्ड्स यू डॉक्टर साहिबा, कैसे इंसान ऐसा हो कि बंदा तकता ही रहे, अगर गाने के वर्ड्स है तो कैसे कैसे? आई थिंक नेचुरली ब्यूटिफुल में आपकी कुछ तो, ऑफकोर्स सम पीपल आर वेरी ब्यूटिफुल दैट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू लुकिंग एट दैम,
अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इतना खूबसूरत बनाया होता है, लेकिन ये कि हर इंसान उसकी अपनी एक इनर ब्यूटी होती है, और आई थिंक थोड़ा सा अपने आप को अच्छा ग्रूम्ड रखें तो हर कोई ब्यूटीफुल दिख सकता है। बाल अच्छे बने हों, कपड़े साफ सुथरे पहने हों, बोल अच्छे अंदाज़ चीज़ों को इन्हांस कैसे किया जाए? इन्हांस, यस, इन्हांस करने की अब जब आप बात करो तो जैसे अगर आप अपने फीचर्स को पर्टिकुलरली थोड़ा थोड़ा इफ़ यू वांट टू एनहांस देम तो वो किया जा सकता है। किसी की अगर नोज़ थोड़ी सी ड्रूपी है, टिप बैठी हुई है, थोड़ा सा हम्प है, उसको नॉन सर्जिकली थोड़ा सा नोज़ की अपेयरेंस को मॉडिफाई किया जा सकता है, टिप को लिफ्ट किया जा सकता है, जो शार्पनेस है जैसे तोते जैसी नाक लोग कहते हैं कि जी है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑब्वियसली व्यूअर्स, ये उन लोगों के लिए बात हो रही है दिन जो महसूस करते हैं, हाँ, और जो कुछ करना चाहते हैं। हम exactly. यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं प्रमोट कर रहे कि अपने फेस को चेंज करें, हाँ। लेकिन जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जाते, लोगों को नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अगर ऐसे लोग महसूस करते हैं, हाँ। तो ये पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूँ, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप सर्जरियाँ कराएं, बट अगर फॉर एग्जाम्पल नाक आपकी ड्रूप करती है, आपको बॉदर करती है, हुक नोज भी जिसको कभी कभी कहते हैं, बिल्कुल, तो टिप को लिफ्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों की सर्जरीज की वजह से, चोट की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से फेस पे स्कारिंग हो जाती है, मतलब स्किन पे स्कार आ सकता है, लिप पे स्कार आ सकते हैं, निशान सन एक्सपोजर की वजह से निशान बन जाते हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ सन स्पॉट्स, जैसे जिनको सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सन स्पॉट्स बन जाते हैं, स्किन टैग्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से फ्रेकल्स प्रोमिनेंटली अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ, तो उन सब चीज़ों को बहुत आराम से और सिंपल छोटे छोटे प्रोसीजर्स के साथ, जो कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किन सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती, सिंपल चीज़ों के साथ उनको ठीक किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट यू गो टू द राइट पर्सन फॉर द राइट थिंग। हर प्रोसीजर, हर लेज़र मशीन, हर इक्विपमेंट हर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए नहीं होता, हमें पेशेंट को असेस करके, ऑफकोर्स उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करके, उसके मुताबिक उसकी स्किन टाइप, उसके कलर, उसकी स्कारिंग की प्रोन होने को देख के, यानी किसी को अगर स्किन ससेप्टेबल है स्कारिंग के लिए, हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को वे करके हम उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं, जिसमें स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि अगर आपके पास क्रीम्स भी होती हैं, सॉरी, जैसे कि अगर कोई आपके पास आके कहे जी डॉक्टर साहब मुझे आप बोटॉक्स भी कर दें, आप मुझे कोलेजन भी डाल दें, और आप मुझे ब्राउ लिफ्ट भी कर दें, तो क्या आप कर देंगे? नहीं, उसमें ये है कि अगर किसी को डॉक्टर होते हैं ना, नीम हकीम, गूगल, असल में गूगल कुछ नीम हकीम खतरे जान बन चुका है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि हमारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमने कुछ पढ़ के उसको असेस कैसे करना है कि इज़ दिस राइट और इज़ दिस रॉन्ग, और ये चीज़ हमारे लिए मौजू है या नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा ये पढ़ लिया, ये प्रोसीजर आ गया, ये हमने करवाने के लिए जाना है। हर बंदे को बोटॉक्स ही सूट करता, हर को कॉलेजन नहीं, हर बंदे को थ्रेडलिफ्ट की ज़रूरत नहीं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दूंगी जगन कि मैं, हम लोग हाइफू करते हैं, अल्थेरेपी या अल्थेरा उसको बोलते हैं, वो बेसिकली स्किन टाइटनिंग और लिफ्टिंग के लिए एक प्रोसीजर होता है, जो कि हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव से आप स्किन में इंटरनली यानी डीपर लेयर्स को हीट करते हैं, और वो उस पुराने कॉलेजन को बर्न करता है जो नए कॉलेजन को स्टिमुलेट करता है, तो उससे 4 to 12 वीक्स में स्किन लिफ्ट होती है, टाइट होता है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। हमारी एक पेशेंट यहाँ से करा के गई, वो इतनी खुश थी, उन्होंने ना पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी फ्रेंड्स थी ना, उन सबको कहा कि ना आमना के पास जाके तो ना हाइफू करा लो, अल्थेरा करा लो। अब अमेरिका से मेरे पास पेशेंट आ रही हैं, वो अक्सर बताती नहीं कि हम इसके फ्रेंड हैं, उसके फ्रेंड हैं, कि रेफ़र किसने किया, तो मुझे आके कह रही हैं कि ना डॉक्टर आमना मैंने तो हाइफू कराने आई हूँ। मैंने कहा यार आपको हाइफू की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे हाइफू करना है, वो फलानी ने मुझे कहा था कि कमाल है। मैंने कहा देखें, उनके लिए वो अप्रोप्रिएट था, आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी। इट टुक मी लाइक 10 मिनट्स टू कन्विंस हर, देन शी सेज ओके आई ट्रस्ट यू, तो आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। तो ऑफकोर्स पेशेंट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि उनको कहाँ पे उनकी स्किन में डेफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट कहाँ से आ सकती है। ओके, डॉक्टर आमना से बेहतर हमें कौन गाइड कर सकता है? कि ऐसे आते हैं लोग जो कहते हैं कि भाई मुझे किम कार्डशियन बना दें। यस, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे स्पेशली आजकल देखो मेकअप से तो समझ आती है, लेकिन पूरा वो जबड़ा जबड़ा नाक, लिप्स का क्रेज है, जॉ लाइन एनहांस करने का क्रेज है, आईज की शेप एक पर्टिकुलर वे में एनहांस करने का। ब्राइड आई थी, वो तस्वीर लेके आई थी, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा। देखो ख्वाहिशात उनकी इनोसेंस है मेरे ख्याल, वो एक मासूमियत अपनी जगह है, लेकिन खुदारा नाक
पूरा का पूरा मुंह अपना बदल देना, इसके बारे में एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? देखिए आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है और कहता है पूरा मुंह चेंज कर दे, नहीं वो, तो हो, ये तो पैसे पैसे। वो हो नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर एक की एक बेसलाइन फीचर्स हैं। हाँ, अगर आप प्लास्टिक सर्जरीज पे और कॉस्मेटिक सर्जरीज पे सर्जरीज करा करा के आप अपने मुंह को चेंज करने की कोशिश करें, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एंजेलिना जोली की एक फ़ैन थी, उसने सर्जरीज करा करा के, अच्छी भली लड़की थी पहले, और अपना फेस सर्जरी करा करा के एंजेलिना जोली के तरह दिखने के लिए, दैट इज़ आई थिंक प्रॉब्ली अ साइकोलॉजिकल इलनेस दैट यू वॉन्ट टू बिकम लाइक समबडी and you should seek treatment for fixing your brain, I'm sorry, rather than you know trying to become like someone. हाँ, आप अपने आप को enhance करें, अपने features को improve करें। उसको बड़ी जोर के कोई आमल हो रही है। बोल दो, बोल दो। I feel like कि अब मैं जितने भी international मतलब YouTubers या influencers देखती हूँ, I can only see Kim Kardashian। मतलब this is one thing that they're so inspired उससे कि सबके वो हर बंदे ने ना अपना मुंह वही कर दिया। एग्जैक्टली, हर किसी की वही चीक बोन्स है, देखो हर किसी की वही स्लिक हाई पोनी टेल है, जस्ट टू कॉपी हर, सारे एक जैसे, ऑल ऑफ देम। हम जैसे को ये फायदा होता है क्योंकि हमारी शक्ल ही नहीं मिलती, तो फिर मैं तो मिला भी नहीं सकती। वी बिलीव इन इंडिविजुअलिटी, वी बिलीव इन जस्ट एनहांसिंग एंड इम्प्रूविंग योर ओन फीचर्स and taking away what are the flaws of your skin or your features and usko subtle enhancements ke sath hum aapke basic features ko change nahi karna chahte viewers isiliye jab bhi mujhse koi puchta hai ki ji mujhe bataye mujhe botox ki zarurat to nahi hai to mera ek hi jawab hota hai ki ji main to doctor nahi hu aur na hi mujhe neem ki banne ka shauk hai aap कॉस्मेटिक जाएं और वहाँ पे मुलाकात करें। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझसे जो लाहौर में ही लोग टकरते हैं वही पूछते हैं, तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि भाई लाहौर में तीन डिफरेंट इनकी लोकेशंस है, डिफेंस में, गुलबर्ग में एंड जौहर टाउन में, सो यू कैन गो। द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे खुद ना फैसला करें कि आपने अपने साथ क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर बहुत साल पढ़ लिख के इस तरफ आता है। और जी, ये आपके लिए भी मैसेज है, फातिमा जो अपने मुंह के साथ अजीब हरकतें करती हैं, देन मेकअप आर्टिस्ट, इट्स इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर यू कैन स्टार्ट डूइंग मेकअप। सो खुद ही एक डगर निकलने से पहले जरा सोच समझ के फैसले किया करें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एटलीस्ट एक पूरे रंग के तो होके निकलो ना घर से, रंग बिरंगे ना निकलो, एंड देन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स लाइक मेकअप क्या हुआ है, लेकिन मुँह पे बाल हैं, अच्छा अब अदरवाइज किस किस्म की ग्रूमिंग करनी चाहिए। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल होती हैं, आप क्या एडवाइस करती हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं जिसमें कोई इतना ज़्यादा इन्वेसिव काम नहीं होता? ठीक है जुगन, सबसे पहले तो मेल्स के लिए, जैसे आप उस वक्त बात कर रहे थे कि जी फेशियल हेयर होते हैं कुछ लोगों के, कुछ मेल्स के एक्सेसिव थोड़े से हेयर होते हैं, अपर चीक्स पे भी जो है उनके बाल होते हैं, तो इंस्टेड के उनको बहुत ज़्यादा रेगुलर शेव करने या थ्रेड वैक्स करने से वो पोर्स उनके ऑब्वियस हो जाते हैं, जो शेव करते हैं वो बाल क्योंकि थिक हो जाते हैं, वो शेव जितनी थिक ऊपर, ऐसे लगता है कि ऊपर की भी जो है वो शेव बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, नीट नहीं किया हुआ, उसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल इज़ अ वेरी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव ऑप्शन, वन ऑफ़ दी ऑप्शन जो कि मेल्स में और फीमेल्स में अलाइक फेशियल हेयर के लिए की जा सकती है। महीने बाद ट्रीटमेंट करना पड़ता है, 6-8 सेशंस में इतनी हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है कि बाल बहुत थिन हो जाते हैं, पतला हो जाता है, ऑब्वियस नज़र नहीं आता। एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन अभी तक लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में लोगों को है कि एक दफ़ा लेज़र करा लिया तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, और ये हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं सिर्फ पेशेंट को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए कि जी परमानेंट मेथड ऑफ हेयर रिमूवल है। इट्स नॉट अ परमानेंट मेथड ऑफ हेयर रिमूवल, इट्स अ परमानेंट मेथड ऑफ हेयर रिडक्शन, जिसका मतलब ये है कि कराने के साथ आपके बाल 90-95% कम हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और वो बहुत ईजिली मैनेजेबल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं जी, आते हैं हमारे पास, वो कहेंगे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हर चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम उनको एग्जाम्पल देते हैं कि जब भाई जब आप आपने अपने नेल्स एवरी फ्यू वीक्स काटने हैं, बाल रोज़ाना धोने हैं, नहाना रोज़ाना है, मुंह रोज़ धोना है, दांत रोज़ ब्रश करने हैं, तो आप स्किन पे कैसे कह सकते हो कि जी अपेरेंस में एक बिल्कुल परमानेंट चीज़ कर दें और हमें दोबारा जो है वो कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े।
तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग होती हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं फॉर पीपल हु कैन नॉट कम वेरी फ्रीक्वेंटली. अब ये तो हमने बात की थी बालों की, और बाल मर्द और औरतों दोनों का होता दोनों के होते हैं, कभी कभी हॉर्मोन्स की वजह से ज़्यादा होते हैं. बट खैर, अपना पहले हार्मोनल इलाज ज़रूर कराएँ. वो हम साथ 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 पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, टेस्ट करवाएँ, इवेल्यूएशन होनी चाहिए. और सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा अगर आज हार्मोन चेक कर लिए हैं और अगर आपकी हेयर ग्रोथ 6 महीने 8 महीने बाद कम नहीं हुई, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा था जो उस वक्त टेस्ट में ऑब्वियस नहीं आया, लेकिन वो आगे चल के ऑब्वियस हो सकता. अच्छा. है अच्छा, कॉलेजन एंड जिसको फिलर्स कहते हैं और अपना बोटॉक्स, इन दोनों के बारे में अगर ठीक है. बोटॉक्स जो है वो बेसिकली एक समझ ले मेडिकेशन है, एक टॉक्सिन है, एक पॉइजन है, जिसका लोग सुन के डर भी जाते हैं कि जी इट्स अ पॉइजन. और ये करता क्या है कि ये बेसिकली एक टॉक्सिन है जो कि हम आपके मसल्स में लगाते हैं, और स्पेसिफिक मसल्स में लगाते हैं जहां हम मूवमेंट को कम करना चाहते हैं ताकि आपकी झुर्रियाँ कम हो जाएं. ठीक है, जो स्पेशली सबसे सेफ इसका है यूज़ के अपर हाफ ऑफ फेस पे, यानी आपके माथे की झुर्रियों के लिए, और आपके इस मुस्कुराने से जो है, जो आपके क्रोस फीट बनते हैं, वहाँ पर जो है लगाया जा सकता है. बहुत सेफ़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है, कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक बहुत अच्छा लास्ट करता है, फिर उसको रिपीट करना पड़ता है. अच्छा, ठीक है. फिलर्स जो होते हैं, फिलर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट तरह के फिलर्स होते हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन का अपना एक पार्ट एंड पार्सल है. यानी कॉलेजन से सिमिलर, हाइलुरोनिक एसिड कॉलेजन से तो डिफरेंट होता है, लेकिन वो आपकी फिलिंग सब्सटेंस होती है. ठीक है, तो वो हमारा सेम है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है हमारी स्किन में क्योंकि पहले से मौजूद होता है. तो वो आपकी चीक्स को इन्हांस करने के लिए कर सकते हैं, नोज़ की टिप को लिफ्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए, लिप्स को इन्हांस करने के लिए, तो जहाँ कहीं हमें फिलिंग की ज़रूरत है, नेजोलेबियल फोल्ड्स हो गए, मेरियोनेट लाइन्स हो गई, यानी स्माइल लाफ लाइन्स उनको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बदन कम हो गया यहाँ पे, तो आपकी चीक्स डिप्रेस्ड हो गई हैं, उसके लिए वॉल्यूम रेस्टोरेशन के लिए, कहीं पर भी आपका चेहरा अंदर धस गया है या डिप्रेशन आ गए, उसकी वॉल्यूम रेस्टोरेशन के लिए फिलर्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने एक सॉन्ग भी लेना है. मारूश ने हमें बताना है कि हमारी जो यंग लेडीज़ हैं उनकी लुक क्या हुई है. तो बिफोर तो आपने देख ही लिया था, अब आफ्टर भी देखेंगे और ऑफ कोर्स कश्मीर के किचन में भी नज़र डालेंगे. बट वीड लाइक इट इफ़ यू स्टे विद अस टू सी आर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, जो हमने कुछ ग्रूमिंग करने की कोशिश की है ऑन है. और व्यूअर्स, एक बात, जब भी कोई भी चीज़ कराने के लिए जाएं, इवन लेज़र हेयर रिमूवल, लोग अक्सर पार्लर्स में जाके कराते हैं. अब मैग्नीफिक पे मेरा अपना सैलॉन है, मेरे बहुत से जानने वाले दोस्त हैं जिनको पता है कि लेज़र कैसे करना है, व्हाटएवर, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं अपने सैलॉन में फिलर्स एंड बोटॉक्स वगैरह की सर्विसेज ऑफर करते, क्योंकि ये डॉक्टर का काम है. मुस्तनेड डॉक्टर से रुजू करके प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे से ये चीज़ें करवाएं, क्योंकि एक दफ़ा आपने कुछ गलत कर दिया तो हो सकता है कि वो परमानेंट हो जाए और फिर आप उसको रिवर्स ना कर पाए. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस.